नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित दोड़ाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो के ऊपर चर्चा किया हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम एक किसी वैद्य जी के द्वारा परंपरागत जो नाड़ी परीक्षण करते हैं और उनके यहाँ पर जितने भी शिष्य है, बस एक उंगली से नाड़ी को चेक करने का वो करते हैं। हिमाचल के साइड में ऐसे गद्दी हमने देखा हुआ है, तो वो किस सिद्धांत के ऊपर इस एक उंगली से नाड़ी परीक्षण करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप आयुर्वेद सीखना चाहते या आयुर्वेद के वैद्य हो सीख रहे हो तो आपको भी यह सीखना चाहिए कि वो लोग किन सिद्धांतों के आधार पर ऐसा करते हैं। आप भी इसको सीख सकते हैं और अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप एक ही उंगली से किसी भी व्यक्ति के कफ पित्त और वायु के बढ़ते और घटते हुए जो स्थिति है उसको आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोषों की जो प्राकृत अवस्था है उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप प्राकृत अवस्था को समझोगे तो ही दोषों की विकृत अवस्था को आप पकड़ पाओगे। तो आदौ च वहते वातो मध्ये पित्तम तथैव च अन्ते च वहते श्लेष्मा नाड़िका त्रय लक्षण। ये दोषों का प्राकृत अवस्था है, यानी कि प्राकृत अवस्था में क्या होता है, आदौ च वहते जो वायु जो है वो तर्जनी से देखना है और पित्त मध्यमा से देखना है और कफ हमारे अनामिका उंगली से देखना है। लेकिन अगर इन दोषों की विकृत अवस्था हो, कफ बड़ा हो, पित्त बड़ा हो, या वायु बड़ा हो, या कफ पित्त और वायु की जो कमी हुई हो कहीं पर भी, है ना, वृद्धि अवस्था और क्षय अवस्था हो, तो इस अवस्था में कभी कभी रोगी के इस तीन उंगली से हमें जरा सी पता नहीं चलता, वाइब्रेशन मूवमेंट या नज़र ही नहीं आती, तो फिर कैसे देखा जाए, डायग्नोस कैसे, अरे सर पता ही नहीं चलता, नाड़ी तो बजता ही नहीं है, नाड़ी में वाइब्रेशन ही नहीं होता। तो आज मैं एक सूत्र दे रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। अब आप इसके बाद किसी भी रोगी को वाताधिका वहन मध्य, यहाँ देखना वाताधिका वायु की अधिकता से वहन मध्य, वायु की नाड़ी आपको मध्य भाग में दिखेगा, वाताधिका बहन मध्य, वायु की अधिकता हो तो आपके नाड़ी के मध्य भाग में आपको नाड़ी लगेगा। और अग्रे बहती पित्तला, यहाँ क्या लिखा है, पित्तला, पित्तला यानी बहुवचन है, ऊपर क्या लिखा था, मध्य पित्तम तथा वचन पित्तम, यहाँ पर पित्तला, पित्तला यानी बहुवचन यानी बहुत ज़्यादा पित्त यानी पित्त की वृद्धि। अब आप जानते हो एक दोष के वृद्धि हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्षय अवस्था में चला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक कहाँ क्या समझ में आया, वाताधिका वहन मध्य, अगर वायु बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो वो मध्य भाग में आपको दिखेगा। और अग्रे बहती पित्तला, अगर पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आगे बहेगा, यानी कि वो आगे देख, जहाँ पर पहले हम वायु को देखते थे वहाँ अब हमने पित्त को देखना है, जहाँ पहले हम पित्त को देखते थे प्राकृत अवस्था में वहाँ अब हमने किसको देखना है, वायु को देखना है। और ऐसा ही श्लेष्मा तु वहते पृष्ठम, कफ का जो स्थान है वो हमेशा, क्योंकि ये हर स्थिति में जो श्लेष्मा है उसकी संलक्षण गुण के वजह से, उसके गुरुत्व गुण के वजह से, चाहे वो कम हो चाहे वो अधिक हो, वो उसकी जो स्थान है वो कोई ले नहीं सकता। बस वायु और पित्त में थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती है, उनमें दोनों आपस में लड़ते रहते हैं वो, है ना, इसलिए आगे पीछे होता है, बस इसको समझने की बात है। देखो मैं एक सीधा साधा सिंपल तरीका से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद का और विशेष करके संस्कृत का आचार्य हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं एक, है ना, बस चलते फिरते तरीका से समझा दूँ, ताकि एक बहुत अनपढ़ आदमी भी, साधारण व्यक्ति भी, जो अभी अभी नाड़ी सीख रहा है, आयुर्वेद सीख रहा है, गुरु शिष्य परंपरागत चिकित्सा करने का वो प्रयत्न कर रहा है छोटे मोटे लेवल पे, अपने घर में ही जो अपने कोई भी रोगी जो है अपने नाड़ी परीक्षण कर रहा हो, तो उसके भी ये जो है समझ में आनी चाहिए। बड़े बड़े जो डॉक्टर है वो तो इंग्लिश फराटेदार इंग्लिश में बोलते तो वो भी किसी के समझ में नहीं आता, अच्छे जो पढ़े लिखे जो BMS के बाद जो MD PhD करते हैं वो भी सिर्फ संस्कृत के क्लिष्ट भाषा बोलते रहते हैं, तो वो भी किसी के समझ में ना आ, भाई किसी के समझ में नहीं आए तो ऐसे भाषा और ऐसे शब्दों का क्या मतलब है।
तो हम ये प्रयत्न करेंगे सिंपल भाषा। तो पृष्ठे तु बहते श्लेष्मा तु बहते पृष्ठम, कफ की अधिकता में वो पृष्ठ भाग में यानी कि अनामिका में ही सबसे पीछे ही वो बहेगा। तो इसको हमने अब यहाँ पर नाड़ी का त्रय लक्षण, ये नाड़ी के जो ये तीन लक्षण आपने यहाँ पर नोट करना है, यानी कि वायु अगर बड़ा है तो वो मध्य भाग में वाइब्रेशन होगा, पित्त बड़ा है तो वो अग्रभाग में होगा, और श्लेष्म बड़ा है तो पीछे की ओर वो वाइब्रेशन होगा। अब इसको कैसे नाड़ी में लगाना है, किसी भी व्यक्ति को नाड़ी को आपने पकड़ना, जैसे आप मैंने पहले वीडियो में बताया था वहाँ हम तीन उंगली लगाते थे, बट यहाँ हमने बस एक उंगली लगाना है, ध्यान देना एक उंगली लगाना है। तीन उंगली से तो हमने प्राकृत अवस्थाओं को चेक किया ना, प्राकृत से किस तरह से वो विकृत अवस्था में जा रहा था उसको हमने चेक किया, लेकिन आज के दिन में जो आपके पास अभी आया है पेशेंट, अभी जब उस व्यक्ति के शरीर में पांच हेतु से जो दोष होते हैं संचय स्थान वेद आदियों से, वो हमने प्राकृत से विकृत होते हुए स्थिति को तो तीन उंगली से देखना है। जैसे आदौ च बहते वातो मध्ये पित्तम तथै वचा अन्ते च बहते श्लेष्मा नाड़िका त्रय लक्षणा, ये श्लोक तो हमने हर हमेशा हर जगह लगाना है, लेकिन विकृत अवस्थाओं को जानने के लिए हमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो बस एक उंगली हमने यहाँ लगाना है। कैसे लगाना है इसको आप जरा ध्यान से सुनिए। आपने पहले क्या किया, इस उंगली को जैसे आप पहले नाड़ी परीक्षण करते थे, जहाँ पर आपका ये नाड़ी है, ये एक गांठ है, इस गांठ से नीचे एक गड्ढा है, थोड़े से आगे जाओगे यहाँ पर आपने अपना इस उंगली को पहले सेट करना है, यहाँ पर सेट करना है, अपना आँख बंद करो, कंसल्टेशन यहाँ पर सेट कर दो, उसके बाद जरा सा ऐसे करके प्रेस किया, अब फर्स्ट बार यहाँ पर पल्सेशन लगेगा, बस एक बार लगेगा, ध्यान देना, बार बार लगने के लिए चेष्टा नहीं करना, भाई पहले बार लगा हाँ ये तो यहाँ लगा, अब दोबारा कहाँ लगेगा, अरे भाई यार ये तो बहुत पीछे लग गया, पहले तो आगे लगा था, नहीं ऐसा नहीं करना। वाताधिका बहन मध्य, अगर यहाँ ऐसा करके क्लिक किया, एक बार पल्सेशन हुआ, बीच में लगा, इसका मतलब क्या समझ में आनी चाहिए कि वाताधिका इस व्यक्ति के तो भैया वायु इस वक्त अधिक है। अब हो सकता है वो व्यक्ति ने कुछ खा के आया हो जो वायु को बढ़ाने वाला है, हो सकता है वो रात में नहीं सोया हो क्योंकि रात्रि जागरण भी वायु को बढ़ाता है, हो सकता है वो आदमी स्ट्रेस में हो, दो तीन दिन से टेंशन में हो, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है ये भी वायु को बढ़ाता है। तो जो अभ्यास हो रहा है कुछ दिनों से, जिसके वजह से उस अभ्यास के वजह से उसके हेतु को जो उसने बढ़ाया, वो चीज़ हमने यहाँ से देखना है। ये हमें क्या बेनिफिट देगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आप मेडिसिन ऊपर प्राकृत से विकृत होते हुए दोषों को जो आपने ऊपर तीन उंगली से जो आपने चेक किया, वहाँ से ही आपने आयुर्वेदिक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको आपने वहाँ से फाइनल करना है, यहाँ से नहीं करना। यहाँ से भी आप कर सकते हो, अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप करोगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के शरीर में बहुत ज़्यादा आमूल परिवर्तन नहीं आएगा, उसका जो समस्या वो जड़ से नहीं जाएगा, क्योंकि जड़ तो हमें तीन उंगली से ही पता चलेगा, यहाँ हमें उस व्यक्ति के विकृति को पता चलेगा। इस वक्त जो हेतु सेवन हुआ है, देश काल है ना, जाति देश काल और व्यक्ति भेद से जो उस व्यक्ति में जो दोष उत्पन्न हुआ है, एंड अब वो परिवर्तन होता रहता है, सर्दी के मौसम से आया तो वहाँ कुछ आपको पल्सेशन कुछ अलग दिखेगा, गर्मी के मौसम में से आया है, गर्मी को खा करके आया है, या एसी से उड़ करके आया है, तो ये जो जब आपके सामने पेशेंट आएगा तो उसका जो हेतु सेवन के कुछ ही दिन पहले से जो चीज़ें हुआ, जैसे आपने सुने होंगे कि एक वैद्य जो है नाड़ी को देख करके बोल देता है भाई आपने बर्गर खा के आए हो, तो वो सारे जो चमत्कार जो वैद्य जो कर पाते वो एक ही उंगली से कर पाते, क्योंकि ये क्या है, कुछ ही दिनों से जो हेतु सेवन हुआ है, चाहे अभ्यंतर चाहे बाह्य स्थान से आने वाला जो दोष है, जो विकार है, जो विकृति जिससे शरीर का जो व्याधि है वो प्रकोपित हुआ है, उस चीज़ को हमें यहाँ से डिसाइड करना, फाइनल करना बहुत आसान है। इस चीज़ को ऐसा किया, रोगी के उंगली को सेट किया, पहले बार जो वाइब्रेशन होगा, ध्यान देना यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर एकदम मेडिटेशन नहीं करना है ना, बको ध्यानम
क्या एक श्लोक था है ना, बको ध्यानम या नहीं करना, बगुले की तरह यहाँ पर ध्यान लगा करके नहीं देखना। तो आपने क्या करना, जरा सा टच किया, हल्का सा प्रेस किया, वाइब्रेशन लगा, पहली बार पंपिंग हुआ, आपने ध्यान किया सेंटर में, अभी मेरे सेंटर में लग रहा है, यानी मुझे अभी वायु बढ़ा हुआ है, मेरा अभी वायु बढ़ा है, इसीलिए मुझे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर यार मेरे सेंटर में पल्सेसिंग हो रहा है। भाई एक ही बार हो रहा है, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा फिर तो आगे और पीछे फिर दिमाग चक्कर में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जैसे चेक किया तो वास वाता अधिका बहन मध्य, अरे भाई मेरे तो बीच में पल्सेशन हो रहा है, वायु बढ़ा हुआ है अभी। तो ये जो वायु जो है वो प्राकृत से विकृत होते हुए नहीं बढ़ा है, इन कुछ ही दिनों से जो हेतु सेवन हुआ है, जो कुछ भी विकार, अभी मेरे मैं नेपाल से जब आया हुआ, नेपाल में मेरा पीठ में थोड़ा सा नस चढ़ गया था, उसके वजह से दर्द है, मैंने कई सारे इस तरह के दवाइयाँ खाया है दर्द होने के, जो दर्द जो है वो वायु कारक है, तो उससे और यहाँ पर कई सारे जो चीज़ें कर रहा हूँ तो इससे मेरे शरीर में थोड़ी वायु बढ़ी हुई है, तो वही बढ़ते वायु मुझे यहाँ दिखा रहा है, समझ में आया। तो वाताधिका बहन मध्य अग्रे, अगर आपको जस्ट यहाँ पर ये आगे भाग में यहाँ पर अगर पल्सेशन होता है, समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के शरीर में कहीं पित्त की स्थिति इस वक्त है, हेतु सेवन आदियों के माध्यम से। तो आपको जब आप कोई मेडिसिन दोगे तो फिर बस ये ध्यान देना कि भाई गर्म, जैसे वायु सामक, मतलब कि उसका प्राकृतिक से विकृत होते हुए वायु है, कफ बढ़ने की वजह से डायबिटीज हो गया, मान लो कि इसका जो है कि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, और शरीर भी उसका कफ कारक शरीर है, शरीर में आलस्यता भी है, ये सारे कफ के सिम्टम्स है, लेकिन आपने यहाँ से चेक किया तो क्या हुआ, आपको आगे की ओर पल्सेशन लगा, इसका मतलब है कि शरीर में अभी कुछ दिन से पित्त थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले एक विरेचन दोगे, क्योंकि विरेचन से पित्त थोड़ा समन होगा, दूसरे कुछ आपने मेडिसिन जब आप कफ के लिए जब दोगे यानी डायबिटीज़ का दोगे, सबसे पहले बढ़ते हुए इस पित्त को पहले समन करो, निकालो बाहर से, विरेचन करके निकालो या कोई सीत इस तरह की चीज़ें दो, लेकिन वो कफ भी ना बिगड़े ये भी ध्यान देना, क्योंकि शरीर में कफ भी है, कुछ ही दिनों से पित्त बढ़ा है लेकिन कफ का जो संप्राप्ति है शरीर में, जो हेतु सेवन से बहुत पीछे से निरंतर अभ्यास से जो कफ बढ़ा हुआ है, स्थायी रूप से जो विकृत अवस्था में गया है, उसका ट्रीटमेंट करने रोगी आपके पास आया है, लेकिन इन दिनों आपको पित्त दिखाई दिया, तो उस पित्त के लिए आपने कुछ विरेचन करना, पित्त सामक कुछ चीज़ें आपने दे करके विरेचन आदि बढ़िया सा करके, फिर उसके बाद दोबारा आपने चेक करना है यहाँ पर पित्त में वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वायु में हो रहा है या कफ में हो रहा है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उस व्यक्ति को जो आप मेडिसिन देना चाहते हो उसका डायबिटीज़ का, फिर आपने वो मेडिसिन उसको देना है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उस रोगी को किसी प्रकार का कोई नहीं। तो आप देखते हो कि भाई अच्छा सर आपने दवाई दिया था, दो दिन के बाद मुझे इतना जलन हुआ, इतना अफारा हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि वो यहाँ से आपने ये नहीं किया, उसका इस वक्त हेतु सेवन ऐसा कुछ हुआ था कि पित्त बढ़ा हुआ था, और आपने जो इलाज जो आपने दिया था वो गलत तो नहीं दिया था, लेकिन इसको आपको करना चाहिए था, देखना चाहिए था। तो आता दिखा बहन मध्य अग्रे बहते पित्तला पृष्ठ श्लेष्मा तो बहते पृष्ठम नाड़िका त्रयलक्षणा, ये इसका ये सूत्र है, आप इसको नोट करिएगा और उसके बाद अपने प्रैक्टिस में इसको आप डालिए, बहुत जल्दी और बहुत आपको यहाँ से आनंद आएगा, आपका जो रोगी है बहुत खुश होंगे। तो दीजिए आज विदा, जय श्री राम।